आज हम बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज केक जो कि के बच्चों और बड़ों का बहुत ही फेवरेट है तो इससे हम सुबह के नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाएं तो हम उनको भी सर्व कर सकते हैं यानी कि ये बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू तो माय किचन आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो थम्सअप देना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं और आप कनेक्टेड रहें तो सबसे पहले हम केक बनाने से पहले पैन को ग्रीस कर लेते हैं पैन आप किसी भी शेप का ले लें तो सेम शेप में आप बटर पेपर को भी कट कर लें और बटर पेपर ऊपर रख के बटर पेपर को भी ग्रीस कर लें और इसको ग्रीस करके साइड पे रख दें और अब हम शुरू करते हैं रेसिपी तो मैंने लिया है पैन पैन में मैं ले रही हूँ तीन अदद अंडे और अब मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर एक कप अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं तो अब इसको हम बीट करना शुरू करते हैं आप विस्कर से भी कर लें कोई मसला नहीं अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं तो अब इसको थोड़ा रोक के इसकी साइडों पे जो लग गया है अंडा या शुगर वगैरह तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और इसको दोबारा से बीट कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह इवन हो जाए हमारा बैटर तो ये देखिए हमारे अंडे और आइसिंग शुगर जो थी वो मैंने बीट कर ली है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कप कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल डालने के बाद फिर से हम इसको बीट करेंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार केक बनने वाला है ये तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी डेढ़ कप मैदा तो सबसे पहले मैंने एक कप मैदा ले लिया है उसको मैं इस तरह छान के डालूँगी ताकि उस थोड़ा सा एरी हो जाए अगर कोई उसमें वो हैं थोड़े से गिरे वग़ैरह हैं तो लम्स ना पड़े हमारे बैटर में तो इसलिए मैदे को छान के लेना ज़रूरी होता है तो ये देखिए अब साइडों से जो लग गया है तो उसको हम चम्मच की मदद से रिमूव करके सेंटर में डाल देंगे और दोबारा से अपना बीटर चलाएंगे बैटर को मिक्स करेंगे बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये तो अब हम जो बाकी का आधा कप है हमारा मैदा वो ले लेते हैं और फोर टेबल मैंने लिया है कोको पाउडर वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी और वन टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे का मैंने इस्तेमाल नहीं किया बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है तो अब इसको दोबारा से बीट करते हैं ये थोड़ा लाइट का इशू होने की वजह से अब हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये अभी हो जाएगा विद इन सेकेंड्स तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आके थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं आधा कप तो ये देखिए मैंने इसको चम्मच से मिक्स करते करते इसकी कंसिस्टेंसी को इतना सख्त कर दिया है जितना हमें चाहिए बस इतना ही हमें चाहिए कंसिस्टेंसी तो अब हम जो हमने अपना मोल्ड रखा था ग्रीस करके उसमें इस बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे ये देखिए ये मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है अब थोड़ा सा इसको टैप टैप कर लेते हैं ताकि जो भी एयर है वो निकल जाए तो पैन को मैंने प्री हीट कर लिया था तो इसमें अब वो मैं रख देती हूँ अपना मोल्ड केक वाला और अब फ्लेम को जो है मैं बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ले जाती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसको एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो अब एक घंटे के बाद इसको देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है तो मैं स्टिक से चेक करके दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है स्टिक बिल्कुल ड्राई आ रही है ये देखिए मैं अपनी तसली के लिए बार बार देख रही हूँ लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है ये तो अब हम इसको पैन से निकाल लेते हैं और पाँच मिनट तक इसको ठंडा होने देते हैं साइडों से थोड़ा चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा रिलीज़ कर लें लेकिन हमने इसमें ऑयल पहले से ही लगाया हुआ है तो ये इतना मसला नहीं हो रहा तो अब हम इसको ये देखें बाहर निकाल दिया और देखिए कितनी आराम से निकल आया और अब हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे ये देखिए केक की कंसिस्टेंसी चेक करें और कलर चेक करें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त आया है और ये देखिए कितना परफेक्ट हुआ है ये तो मैं आपको इसकी सॉफ़्टनेस एक तो फिर दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए माशाल्ला तो चलिए अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं पीसेस आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें तो ये हमने पीसेस कट कर लिए इसके तो अब आप इसकी देखिए कंसिस्टेंसी और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस इसका स्पॉन्ज चेक करें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह बहुत ही परफेक्टली बना है ये तो आप भी मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके लाजमी बनाइए मेरे चैनल पे स्पॉन्ज केक वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी भी अवेलेबल है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा और यो केक की भी रेसिपी अवेलेबल है मैं वो भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी आप वो भी ज़रूर देखें तो ये देखें मैं अब आपको खा के बताती हूँ वाओ इतना परफेक्ट बना है हर चीज़ एकदम एकोरेट है इसमें तो आप भी इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए तो ओके जी अल्लाह हाफिज़